दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों जैसा कि आपको टाइटल नजर आ रहा है कि 500 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो जीएस और जीके के हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के और टेक्नोलॉजी के काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इन 500 प्रश्नों को इस आधार पर रखा गया है कि जो पिछले कई सालों में इस पोर्शन से अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, स्टेट की किसी पुलिस का हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, या फिर केवीएस, सीटेट, डीएसएसबी, एसटेट जैसे टीचिंग एग्जाम के अंदर हो। आमतौर पर यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे का टाइम शायद लग सकता है, लेकिन इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आने वाले कोई एग्जाम आए तो उसमें आप लोगों को यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चनों को तो आंसर हम देखेंगे देखेंगे, उसी के साथ साथ इनसे जुड़े हुए कई सारे ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए जरूरी है। सीरियल में तो आपके लिए 500 क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ हम लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। वो कैसे होगा ये आप साथ देंगे और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं और पूरी की पूरी तैयारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन आप लोगों का श्योर है, मेहनत आपने करनी है, गाइड और सपोर्ट हमने करना है। सबसे पहला क्वेश्चन। एक चीज और है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर या फिर वीडियो इस पेज के लास्ट में जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने घर मंगवा सकते हैं। पूरे भारत के अंदर 29 के 29 राज्यों में, 7 केंद्र शासित प्रदेश में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर मटेरियल जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन समय समय पर पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। बोध गया के जो बिहार के अंदर आपके है, इन्हीं के नाम से इसको बोध गया का नाम भी पड़ा। गया के अंदर, बोध गया के अंदर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरु लिपि को कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। गुरु लिपि का आविष्कार सिखों के दूसरे गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा यानी इंडिया का साउथर्न पॉइंट किसे माना जाता है? यहाँ साउथर्न पॉइंट का जिक्र नहीं है, यहाँ मेन लैंड का साउथर्न पॉइंट है। अगर मुख्य भूमि वर्ड यूज किया गया है, मुख्य भूमि का मतलब अलग होता है और साउथर्न पॉइंट अलग होता है। यहाँ मुख्य भूमि का मतलब है इंडिया के लैंड से लगा हुआ, तो वो तो आपका आंसर कन्याकुमारी होगा। लेकिन अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेंगे तो फिर आपका आंसर इंदिरा पॉइंट होगा। इस कंफ्यूजन में बच्चे कई बार रह जाते हैं। कभी कभी पूछते हैं भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा, बिंदु कौन सा है, फिर तो आपका आएगा इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग पिगमेलियन पॉइंट कहा करते थे। फिर इंदिरा गांधी जी के नाम पर उसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया। लेकिन मुख्य भूमि यानी जो इंडिया के क्षेत्र से जुड़ा हुआ भूमि है उसमें आपका कन्याकुमारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो आपका आंसर किस राज्य में निकलता है, तो आपका आंसर यहाँ अरुणाचल प्रदेश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपका आंसर होगा मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज कह सकते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का जो टीका होता है या इंजेक्शन होता है वो मधुमेह यानी डायबिटीज के बीमारी के लिए लगाया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहाँ आपका आंसर होगा असम। बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। डांसेज के अंदर, नृत्य के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी भरतनाट्यम पूछा जाता है, कभी बिहू पूछा जाता है, कई बार गिद्दा पूछा जाता है, कभी भांगड़ा पूछा जाता है, तो इनको आपको एक बार ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला खट्टापन है, आंवले में कौन सा विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर आएगा विटामिन सी। विटामिन सी आपका इसमें आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसका मतलब क्या हुआ? अंग्रेजों ने कलकत्ता से, बंगाल से जब गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया तो उस समय कौन था? विलियम बेंटिक, जो 1828 के अंदर बंगाल के गवर्नर के रूप में था, 1829 में उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल अपग्रेड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10,
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार दोस्तों चाइना के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के अंदर तीनों सेनाओं का सेनापति, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं, रिपब्लिक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होते हैं और उसी के साथ साथ भारत के पहले नागरिक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। या फिर इस क्वेश्चन को कभी कभी बदल देते हैं कि किस विटामिन की प्रचुरता की वजह से कौन सी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है या होने से बच जाते हैं, तो आपका आंसर होगा ए, रतौंधी का जिक्र इसमें बहुत बार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये मैंने पूछा था, फेस्टिवल के कई क्वेश्चन मिलेंगे। पोंगल, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। गिद्धा और भांगड़ा किसके रहेंगे? फिर पंजाब के रहेंगे, चाहे गिद्धा हो चाहे भांगड़ा हो, ये दोनों ही पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत में पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और रजिया सुल्तान का अगर टाइमिंग देखेंगे तो आपका आंसर होगा 1236 से लेकर 1240 तक। 1240 में हरियाणा के एक शहर कैथल के पास रजिया को उसी के भाई बहरम शाह ने मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका आंसर होगा भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर हुआ था। कुछ क्वेश्चन आपको काफी आसान लगेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ लगेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन वो हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आम तौर पर एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसको पढ़कर भी आप हंसेंगे और आप कहेंगे कि क्या हमारा यही लेवल था, लेकिन आने वाले अगले क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आएंगे नहीं और वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बस क्या आपका इतना सा ही लेवल था। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होता है एग्जाम में, कुछ मुश्किल और कुछ आसान। क्वेश्चन नंबर 21, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? आपका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से और कांग्रेस के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने के बाद इसकी स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था। इन्हीं के सिफारिश के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। इनकी मृत्यु सांडर्स के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश देने से साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई थी। सांडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के एक पैनल ने लाहौर के रेलवे स्टेशन पर सांडर्स की हत्या की। भगत सिंह इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे द्वारा दिया गया। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए? सरोजिनी नायडू रहेगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू को माना जाता है। यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी है वो, और उसी के साथ साथ भारत कोकिला भी कहा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी कहा जाता है। और अगर भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू होंगी तो भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी होंगी, वो भी यूपी की सीएम थी। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला का नाम बताना है? संतोष यादव। याद रखें, अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछेंगे फिर आपका आंसर होगा बछेंद्री पाल, लेकिन अगर दो बार चढ़ने वाली का जिक्र आएगा तो फिर आपका आंसर होगा संतोष यादव। इसी तरीके से जैसे आप देखते हो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला होगी तो कल्पना चावला, सबसे लंबे समय ज्यादा देर तक रहने वाली पूछेंगे तो आपका आंसर होगा सुनीता विलियम्स। क्वेश्चन नंबर आपका 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताना है आपने? मूल शंकर।
स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? दयानंद सरस्वती का। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन भी आप लोग बार बार देखते हो। उसी के साथ बता दूं, अगर आप लोग स्टडी मेटल ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया गया 8447410108, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इससे पहले पॉलिटी के 2000 क्वेश्चन की सीरीज आ चुकी है जिसमें एक लेक्चर मैंने 100 क्वेश्चन का डाल दिया है। हिस्ट्री के लिए भी 2000 क्वेश्चन की एक अलग सीरीज शुरू करी है। ज्योग्राफी के 11 लेक्चर कंटिन्यू आ चुके हैं। यानी सभी सब्जेक्टों की स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर डिस्कस भी किया जाएगा और दिया भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्ज का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपका है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत में कब आया? ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 1498 ईस्वी में। डेट पूछेंगे, भारत की धरती पर सबसे पहले 17 मई 1498 को कप्पुकाडू में आया, 20 मई 1498 को कालीकट में आया जहां का राजा जमोरिन था, उससे मुलाकात हुई, भारत के अंदर पुर्तगाल का बिजनेस करने का प्रस्ताव पास हुआ। और दोबारा अगर पूछेंगे वास्को डी गामा भारत में दोबारा कब आया, फिर आपका आंसर रहेगा 1502। कंपनी लगाई पुर्तगाल में 1503 में, पहले कोचीन में, फिर 1505 में लगाई। इस तरीके से पुर्तगाल का सिलसिला भारत में चला। वास्को डी गामा रहने वाला कहाँ का था? पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कुछ क्वेश्चनों जो ज्यादा डिस्कस करने योग्य नहीं, यानी सिर्फ पढ़ने योग्य हैं, आपको रिवाइज करने योग्य, उनको थोड़ा फास्ट करेंगे, जिन पे टाइम लेना होगा वहां पर थोड़ा टाइम लगाएंगे। हवा महल दोस्तों जयपुर के अंदर है, जो भारत का पिंक सिटी है। सिख धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? गुरु नानक देव जी को, जो सिख धर्म के पहले गुरु भी थे। सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हुए हैं। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा माना जाता है? बैसाखी। डेट अगर पूछेंगे तो 13 अप्रैल को होता है। लौह पुरुष किसे कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम बताना है, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री जो विदेशी धरती पर स्वर्ग सिधारा, जिन्होंने 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान रूस के शहर ताशकंद में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु बताई जाती है। यही लाल बहादुर शास्त्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 1965 के युद्ध में धूल चटाई। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। इन्होंने ही एक दिन सप्ताह में फास्ट रखने के लिए कहा सोमवार को, ताकि भारत अनाज के संकट से जूझ सके। क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत के रचयिता किसे कहा जाता है? महर्षि वेदव्यास जी को। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने, यानी इसको चाणक्य भी हम मानते हैं, चंद्रगुप्त के लिए लिखी थी ये। और अर्थशास्त्र का संबंध, अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध अगर पूछे किस विषय से है, तो आपका आंसर यहाँ राजनीति रहेगा, पॉलिटिक्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री, मैंने अभी आपको बताया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किने कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, यानी मसौदा समिति थी, इंग्लिश में कहेंगे तो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। टोटल 7 लोग थे इसके अंदर। और इस कमेटी का मुख्य काम था विदेशों के संविधानों को पढ़ना और भारतीय संविधान को लिखना। क्वेश्चन नंबर 44 में रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? आपका आंसर जापान होगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को, बेटियों को मान सम्मान देने के लिए दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। और भारत इस दिन को बहुत डेडिकेशन से लेता है, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के हमारी बेटियों बहुओं को सुरक्षित रखा जा सके, माता बहनों को मान सम्मान दिया जा सके और उनको अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस करने के मौके दिए जाएं। यही वुमेन एम्पावरमेंट और इंटरनेशनल वुमेन डे का उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य, राज्य पूछा गया है, गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। ओणम कौन से राज्य का त्योहार है? केरल का, केरल का। भारत की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी कब बनी? घोषणा हुई 1911 में और बने 1912 में। दोनों क्वेश्चन याद रखना।
घोषणा कब हुई 1911 में और बनी कब, ट्रांसफर कब हुई 1912 में। सबसे चमकीला ग्रह बताना है आपने, चमकीला ग्रह शुक्र है, शुक्र चमकीला भी है, शुक्र सबसे गर्म भी है, सूर्य के नजदीक नहीं है बल्कि दूसरे नंबर के ऊपर है, तेजाब की या वर्षा होती है, सुंदरता की इसे देवी कहा जाता है, पृथ्वी की इसे बहन कहा जाता है, ये काफी सारी विशेषता इसके बारे में आपको मिलती हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बताना है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है, इंडिया का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये आप जानते हैं। कुछ क्वेश्चन आसान मैंने रखे हैं ताकि आप लोगों को लगे कि हमें बहुत कुछ आता है, कुछ क्वेश्चन नए रखे हैं ताकि आपको लगे कि अरे अब तो बहुत कुछ नहीं आता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। इंडिया का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आप तो आपको पता है आम होता है, फूल की बात करेंगे तो कमल होता है, पेड़ की बात करेंगे तो बरगद होता है, खेल की बात होगी तो हॉकी होता है, और राष्ट्रीय झंडे की लंबाई की बात आएगी तो 3:2 में रहेगा। राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ भारत का ही राष्ट्रीय गान नहीं लिखा बल्कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था जिसे आमार सोनार बांग्ला कहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत के अलावा टैगोर जी ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत लिखने वाले कौन थे, आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इन्हें लिखा था। 61 क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं अगले पेज पर, 62 का क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द सबसे पहले किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का स्टेटस दिया था, ये टाइटल दिया था, और ये टाइटल कब दिया था, 1942 में, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान करो या मरो डू और डाई का नारा दिया, तो महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का टाइटल दिया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, संवत है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड की होती है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी, हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध, 66 क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, हृदय से है। क्वेश्चन नंबर आपका है 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नाम दिया जाता है। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है, हीरा होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, हीरा होता है, यानी हीरे को कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कहा जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रांटजन ने किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रांटजन ने। किस वस्तु का, किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले करता था, या सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया, आपका आंसर होगा तांबा, तांबा यानी कि कॉपर। क्वेश्चन नंबर आपका 71, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है, जब अंतरिक्ष में आकर देखेंगे तो आपको आसमान काला दिखाई देगा, लेकिन जब जमीन से आप देखते हैं तो आसमान आपको नीला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार करने वाले कौन थे, गैलीलियो थे। स्थित दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि का नाम बताना है, राजघाट। देश के अंदर नेता हो या अभिनेता हो, विदेशी नेता हो या भारतीय नेता हो, जब भी इधर जाना होता है वो राजघाट का दौरा जरूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में पहली रेल कहां से कहां चली, मुंबई से थाने के लिए चली। कब चली, 1953 के अंदर चली। पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुई, कोलकाता के अंदर हुई। सबसे बड़ी मेट्रो की बात आएगी तो दिल्ली आंसर आएगा। रेल का आरंभ कब हुआ, मैंने बताया आपको 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कब उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की सबसे पहले, 1984 में। भारत की 78वां क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, मैंने आपको पहले बताया जब सरोजिनी नायडू जी का जिक्र किया था, श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। दुनिया के 193 कंट्रियों ने साइन कर रखे हैं, आगे इनकी संख्या बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड ऑफिस पूछेंगे तो न्यूयॉर्क के अंदर है, देश पूछेंगे तो अमेरिका के अंदर है। पहले महासचिव कौन थे,
त्रिग्वेली जी इसके पहले महासचिव हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 83, संयुक्त राष्ट्र संघ के समय अभी कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। इसकी सुरक्षा का परिषद में सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं? 15 होते हैं। इनमें से 5 आपके स्थाई होते हैं और 10 आपके अस्थाई होते हैं, यानी 5 वो हैं जिनके पास विटो पावर है और 10 वो हैं जो अस्थाई हैं, जिनमें हर सदस्य 2 साल के लिए चुना जाता है, एक सदस्य आधे सदस्यों को 1 वर्ष और आधे सदस्यों को दूसरे वर्ष चुना जाता है, यानी 5 2017 में मान लो तो 5 2018 में जो 17 में थे वो 19 में दोबारा उनकी जगह नए, 18 वालों की जगह नए 2020 में। इस तरीके से राज्यसभा में होता है भारत में, तो ये भारत सबसे ज्यादा बार सदस्य चुना गया अस्थाई 7 बार। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेड ऑफिस कहाँ है? नीदरलैंड के अंदर द हेग में, द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटोरियस, हो सकता है कि ये वीडियो कोई बच्चा 1 साल बाद देखे, 2 साल बाद देखे तो चेंज हो सकता है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए माफ कीजिए, लेकिन वर्तमान में जो सिचुएशंस है उन पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, या वाले भारतीय कौन थे? इनसे पहले वर्ल्ड में भी कोई किसी के नाम रिकॉर्ड नहीं है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम। अगला क्वेश्चन है 89, यूएनओ सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य कितने होते हैं, कितने वर्ष के लिए? मैंने आपको बताया 2 साल के लिए चुने जाते हैं, प्रत्येक वर्ष आधे सदस्य रिटायर, आधे उनकी जगह नए। 193 सदस्य कौन लेटेस्ट कौन माना जाता है? साउथ सूडान माना जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता या खून का बहना नहीं रुकता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में देखा जा चुका है, आपका आंसर यहाँ रहेगा विटामिन के। विटामिन के की कमी की वजह से खून का रुकना बंद नहीं होता है। आमतौर पर जिन लोगों को घाव हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, कई बार उन लोगों का खून लंबे समय तक बहता रहता है, उनके अंदर आमतौर पर विटामिन के की कमी होती है। उसके बाद 91 के बाद है 92। 92वां क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि यहाँ हम यूज वर्ड करेंगे राजभाषा, संविधान के आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। 94वां क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। आने वाले समय के साथ आंसर बदल सकता है, और भी गोल्ड भारत में समय समय पर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों बाद होता है? 4 सालों के बाद होता है। 2016 में कहां हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे। 2020 में कहां पर होंगे? टोक्यो जापान के अंदर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी भैंसों के अंदर प्रजाति देखेंगे तो मुर्रा भैंस सबसे टॉप है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर भारत के अंदर कहाँ है? हरियाणा के गुड़गांव के अंदर है। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। कब बनाया इसे? 1924 में। क्यों बनाया? क्योंकि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को रद्द किया तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने विरोध किया और उन्होंने कांग्रेस से 1923 में इस्तीफा दे दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन चला, 22 में चौरा चोरी की घटना से गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया। मोतीलाल नेहरू सी आर दास बहुत नाराज हुए और उन्होंने 23 में इस्तीफा दिया और 24 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई यह भी पूछा जाता है, आपका आंसर इलाहाबाद रहेगा क्योंकि मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से थे। और इसी के साथ साथ सी आर दास का पूरा नाम है चित्त रंजन दास। इस व्यक्ति पर एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? देन योर आंसर विल बी सी आर दास। ऐसी स्थिति में आपका आंसर सी आर दास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101, वेदों की ओर लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। ये हम एक बार पढ़ भी चुके हैं। आराम हराम है ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार
खान ने, खान अब्दुल गफार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। खान अब्दुल गफार खान को बच्चा खान, बादशाह खान भी कहते हैं, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, पहला विदेशी जिसे भारत ने भारत रत्न दिया, इन सब नामों को सबका आंसर खान अब्दुल गफार खान होता है। 104वां क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। बैरोमीटर के पठन में अगर तेजी से गिरावट होती है तो इसका मतलब तूफान के संकेत होते हैं। भारतीय मरुस्थल का नाम बताइए आप, थार रहेगा आंसर। काजीरंगा, क्वेश्चन जरूरी है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? यहां पर आपका आंसर रहेगा आसाम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है या अभयारण्य केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन किस नदी के किनारे है? आपका आंसर यहां शिप्रा रहेगा। 109वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मिथेन। मिथेन की अधिकता किसमें ज्यादा होती है? गोबर गैस के अंदर। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, जिन्हें महाराष्ट्र के संप्रभु नेता माना गया बाद में, और यही व्यक्ति था जिन्होंने पंजाब के अंदर से लेकर के और महाराष्ट्र तक सब जगह रैलियां की। महाराष्ट्र के तो संप्रभु माने जाते हैं ये, और उसी के साथ साथ मराठा और केसरी जैसे समाचार पत्र निकाले, और गणेश और शिवजी जैसे त्योहार शुरू किए इन्होंने। इनके इन्होंने ही भारत में पहली बार लाठी दल बनाए, गौ रक्षा दल बनाए, सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस इंसान पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, 112वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 112 में है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। कितने समय के लिए चुना जाता है उनको? 6 के लिए। राज्यसभा के सदस्य हों या विधान परिषद के हों, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, 5 साल का कार्यकाल होता है। 113वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारे आकाश गंगा का नाम बताना है, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा, जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में मिल्की वे कहेंगे, ये हमारी गैलेक्सी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड हुआ करता था। तुलसीदास ने रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी? अवधी बोली में। तुलसीदास ने रामचरितमानस जब हिंदी भाषा में लिखी तो बोली कौन सी थी? अवधी थी। उसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 118वां, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब कहां से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस से हुई थी 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस से हुई थी 1896 के अंदर। 1894 में इंटर ओलंपिक एसोसिएशन बना, 96 में एथेंस से इन खेलों की शुरुआत हुई। इन्हीं खेलों में अगर प्राचीन खेलों की बात करेंगे तो फिर आपका आंसर 796 आ जाएगा, डेट के हिसाब से जगह आ जाएगी ओलंपिया। फिर इनको बंद करना पड़ा, फिर दोबारा शुरू हुए। अब दुनिया में हर 4 साल के बाद ओलंपिक होते हैं, हर 2 साल के बाद कभी विंटर कभी समर, कभी विंटर कभी समर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 119वां, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में सर्व 8 बार गोल्ड पदक जीता है? आपका आंसर होगा हॉकी। हॉकी के अंदर भारत ने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता? 1980 के अंदर। कौन से में जीता? मास्को के अंदर, रूस के मास्को में। क्वेश्चन नंबर 121, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों बाद होता है? आपका आंसर 4 वर्ष रहेगा। ओलंपिक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड ऑफिस लुसाने में है, और लुसाने आपका स्विट्जरलैंड के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 123वां, 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर।
ओलंपिक खेल में कितने गोले होते हैं? पांच होते हैं। हर गोले का एक कलर होता है, चाहे रेड की बात करें, चाहे ब्लू की बात करें, चाहे ग्रीन की बात करें, चाहे ब्लैक की बात करें, ये सारे सबके अपने अपने कलर माने जाते हैं। और पांचों के पांचों कलर किसको डेडिकेट हैं? पांचों के पांचों कलर कॉन्टिनेंट्स को डेडिकेट हैं, महाद्वीपों को डेडिकेट हैं, जिसमें लाल अमेरिका को दिया जाता है, नीला यूरोप को दिया जाता है, काला अफ्रीका को दिया जाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है, और पीला यानी येलो भारत को। अगर याद ना रहे तो एक तरीका याद रखना, रेड इंडियन अमेरिका के लोगों को कहते हैं, रेड अमेरिका महाद्वीप को दे दिया, हरा ऑस्ट्रेलिया की घास सबसे फेमस है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे दिया, अफ्रीका के लोगों का कलर काला होता है, साइमन जैसे लोग आपने वहां देखे हैं, तो काला उनको दे दिया। भारत और एशिया के अंदर सबसे ज्यादा मसाले होते हैं, दालें होती हैं, तो पीला एशिया को मिल गया और नीला यूरोप को दे दिया, क्योंकि यूरोप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये तरीके भी आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलप्स कहाँ का है? अमेरिका का तैराक है, स्विमर है। 126, सन 2020 में ओलंपिक कहां पे होंगे? टोक्यो के अंदर होंगे, जापान के अंदर होंगे। क्वेश्चन नंबर 127, 2016 के ओलंपिक खेलों में सिल्वर पदक जीतने वाली पीवी सिंधु का संबंध कौन से खेल से रहा है? बैडमिंटन से रहा है। भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी के अंदर। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपका आंसर होगा कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी पहली भारतीय महिला। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी कौन सी नदी से निकलती है? गंगा से निकलती है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 132, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। इसलिए पशुओं के अंदर दुग्ध उत्पादन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कैल्शियम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमृत सेन को, अमृत सेन को। क्वेश्चन नंबर 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? आपका आंसर यहाँ सहनाई रहेगा, सहनाई आपका इसमें आंसर आएगा। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध सहनाई नामक वाद्य यंत्र से था। 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल भी, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी, इनमें सब में आपका आंसर सी राजगोपालाचारी रहेगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनके नाम से राजगोपालाचारी फार्मूला भी फेमस रहा था भारत पाकिस्तान के लिए। क्वेश्चन नंबर 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश की मदद से किया गया था? आपका आंसर रहेगा यहाँ रूस की मदद से। भिलाई आरबीडी थ्री आपको ध्यान है, राउरकेला भी है उसमें, भिलाई भी है, दुर्गापुर भी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कारखानों को लगाया गया था, और इसमें जो भिलाई है वो रूस की मदद से लगाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? आपका आंसर हिमाद्री रहेगा, जो आपके अंटार्कटिका पे है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी? जापान की जुन्को तबाई। जापान की जुन्को तबाई ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी वर्ल्ड में महिलाओं के रूप में, और ये पहली भारत में पहली वर्ल्ड की महिला बनी। पीलिया किस रोग का, किस अंग का रोग है? यकृत यानी लीवर। पीलिया की वजह से लीवर खराब होता है, लीवर में प्रॉब्लम आती है। ये थे आपके 140 क्वेश्चन, अब चलते हैं 141 पे। अगर आप साथ देंगे, आप मेहनत करेंगे, तो हम आप लोगों को इकट्ठे इकट्ठे क्वेश्चन बना के देंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो, कुछ चीजें नई मिले, कुछ चीजें पुरानी मिले, कुछ का रिवीजन हो, और चंद टाइम में आपको सारी चीजें मिल जाएं। 141वां क्वेश्चन, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम है ये। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन पास्कल का है, ये नियम पास्कल का है, रूल पास्कल का है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है?
ब्यूटेन होता है। किसने सबसे पहले अशोक के विलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप कौन था? एक अंग्रेज था। क्वेश्चन नंबर 145, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त, यानी उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोका ने बौद्ध ग्रहण को धार ग्रहण कर लिया। और ये सब कलिंगा के युद्ध के बाद हुआ, जिस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5-2 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। अशोका का दिल पिघला और उसने युद्धों से तौबा कर ली हमेशा हमेशा के लिए। वैसे जिस अशोका को हम लोग धर्म के आधार पर देखते हैं, महान सम्राट तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस खून खराबे में बहुत ज्यादा लिप्त था वो। कलिंगा का युद्ध में लाखों लोगों की हत्या का कारण बना, तो अपने ही 99 भाइयों की हत्या करके उसने गद्दी प्राप्त की थी। लेकिन किसी इंसान का जब हृदय परिवर्तन होता है तो वो एक प्रकार से स्वच्छ टाइप से हो जाता है, क्योंकि उसके बाद इस इंसान ने जो काम किए वो भारत नहीं पूरी दुनिया को समर्पित हैं। क्वेश्चन नंबर 140, मुगल बादशाह ऐसे कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, नौ नौ रत्न रखे थे लिखने के लिए पढ़ने के लिए, जो जो वो चाहते थे उन्हीं के आधार पर उनकी कलम चलती थी, जो सच या झूठ उन्होंने बोला वही उन लोगों ने आगे लिखा भी। क्वेश्चन नंबर 147, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास ने। जमीन किसने दी? अकबर ने दी थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। कब स्थापना हुई? 1913 में। कहाँ हुई? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। इन्हीं के साथ एक व्यक्ति का और जिक्र आता है आपको, लाला हरदयाल के साथ साथ आपको कुछ नाम और भी पढ़ने पड़ेंगे जो इन इंसिडेंट से रिलेटेड होते हैं। 149वां क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद ने, जो गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु हुए। इन्होंने ही लंगर प्रथा को शुरू किया, उसमें सुधार के भी काम किए। और ये गुरु अंगद, जिनका दूसरा नाम आता है गुरु लहणा, गुरु नानक देव ने अपने बेटे की जगह या बजाय अपने शिष्य गुरु अंगद को गुरु की गद्दी दी थी। सबसे प्राचीन वेद का नाम बताना है ऋग्वेद, जिसकी टाइमिंग है 1500 BC से 1000 BC, और बाकी जो बच गए, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, वो 1000 BC से 500 600 600 BC के आसपास तक माने जाते हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की। पहला 5-ईयर प्लान कब बना? 1951 में। 1951 से कब तक? 1956 तक। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। किस प्राचार्य के अंतर्गत? शीलभद्र के अंतर्गत, शीलभद्र के अधीन। ये भी याद रखना कि जब ह्वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की तो वहां का प्राचार्य कौन था? शीलभद्र। ह्वेन सांग किसके कार्यकाल में आए? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। कहाँ के यात्री थे? चाइना के थे। कौन सा रक्त समूह सरोदाता कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप। शरीर में मनुष्य के हड्डियां 206। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। आमतौर पर यह सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, बल्कि हमारी बॉडी में ही होता है। जब सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश मनुष्य की त्वचा पर गिरता है तो हमारे त्वचा और स्किन में जो तैलीय ग्रंथियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 157, मैदा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर मलेरिया आएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। प्रकाश की गति अगर पूछेंगे तो कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? इसमें आपको देखना पड़ेगा, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 106, 160, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिक्स ने। किस व्यक्ति ने सबसे पहले थ्योरी दी थी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है? ये कहने वाला पहला व्यक्ति कोपरनिक्स, तर कहने वाला नहीं, समझाने वाला और विश्वास दिलाने वाला। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष में खगोलीय एस्ट्रोलॉजिकल जो डिस्टेंस होती है उसे हम मापते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। नींव किसने रखाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। इसके अंदर जो अलाई दरवाजा लगवाया किसने लगवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई के अंदर। इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। किसको समर्पित है? युद्धों में शहीद हुए भारतीय जवानों को। ताजमहल कहाँ पर है?
आगरा के अंदर है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किसने की, 1943 के अंदर किसने, आजाद हिंद फौज की, सुभाष चंद्र बोस। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, और वर्ल्ड कप पूछेंगे तो 5 अक्टूबर को। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सितंबर में पहले हम अपना मनाएंगे और फिर दुनिया वाले टीचर्स को देखेंगे, तो यहां पर आपका 5 सितंबर और 5 अक्टूबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 170 पर। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है भारत में। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, मेजर ध्यानचंद के। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे था, हॉकी से था, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया, 1942 में, कौन से आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जय हिंद का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा भी और दिल्ली चलो का नारा भी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा भी, सारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे। ये देखो आपका आ गया दिल्ली चलो वाला भी नारा यहाँ पर आ गया। उसी के साथ अगर आप आगे देखेंगे तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय जवान जय किसान का नारा हम पहले पढ़ चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाद वे कातिल में है, ये स्लोगन किसने, नारा किसने दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्र गुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किए, राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को बैन कब किया गया, 1829 में। किसने बैन किया, विलियम बेंटिक ने बैन किया, राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। विदेशी गांधी किसे कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को। और क्या कहा जाता है, साउथ अफ्रीका का गांधी। कहाँ के थे ये, साउथ अफ्रीका के थे, गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे, इन्हें भी भारत रत्न दिया जा चुका है। सरदी गांधी, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये मैंने डिस्कस किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को, ध्यान रखना, गांधी जी को राष्ट्रपिता का टाइटल सुभाष ने दिया था, लेकिन गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर। यहां बड़ा एक आपको कॉम्बिनेशन भी नजर आएगा, महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कह दिया और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कह दिया, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा, तो ये दोनों एक दूसरे के टाइटल हो जाएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी लेखक, किसकी की बुक है, महात्मा गांधी की। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान इंडिया का दादा साहब फाल्के, और वर्ल्ड का ऑस्कर। अगर फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड देखेंगे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑस्कर था, लेकिन भारत का दादा साहब फाल्के। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड देखेंगे तो नोबेल प्राइज वैसे है, भारत का देखेंगे तो भारत रत्न है। प्रश्न नंबर 192 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, परमवीर चक्र होगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, यूरी गागरिन रशिया के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ है। उसके बाद आप आएंगे 197 के ऊपर। 197 में देखेंगे अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का जिक्र हम कर चुके हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जिसे इसे कब और कब छोड़ा गया, आर्यभट्ट नाम था, 1975 में छोड़ा गया, सोवियत संघ रूस की धरती से छोड़ा गया। तीनों क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। इसी मामले में आप देखते हैं तो इसरो ने बड़ा प्रोग्रेस किया दोस्तों। एक वो समय था जब भारत के सैटेलाइट को छुड़वाने के लिए हम दुनिया से रिक्वेस्ट करते थे, और एक भारत का इसरो आज है जब हमारा इसरो का कोई से लॉन्च व्हीकल आसमान में जाता है तो हम दूसरे देशों के सैटेलाइट अपने साथ लेके जाते हैं और दुनिया के देश आज भारत के इसरो को पूछते हैं कि अगर आपका लॉन्च व्हीकल जा रहा हो तो कुछ सैटेलाइट हमारे भी छोड़ाइए। ये कैपेसिटी, ये जो मेहनत है ना, ये इंडिया की साइंटिस्टों की मेहनत है, इंडिया की सरकारों की मेहनत है,
भारत के सैनिकों के साइंटिस्टों के जज्बे को सलाम है, क्योंकि जिन जिन दिनों में उन्होंने दुनिया के अमेरिका, रसिया, नासा, वासा, सारे के सारे बड़े बड़े संगठनों को पीछे छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 199। इस देश की सतल सर्वसीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। सबसे ज्यादा देशों के साथ दोस्तों चाइना की सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हम कह चुके 8 मार्च को मनाया जाता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके अंदर अगर आप देखते हो तो अमेंडमेंट भी 3 बार हो चुका है। पहले एक भाषा को जोड़ा गया, फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया, फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित यानी इंसुलिन सेक्रेटेशन करती है? तो आपका आंसर होगा अग्नाशय, जिसे हम लोग पेनक्रेटिक कहते हैं। डूरंड कप का संबंध किस क्षेत्र से, किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध मानेंगे तो हीराकुंड मानेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स के आधार पर वैसे आपको सरदार सरोवर बांध रहेगा। गेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। या मुद्राओं का क्वेश्चन, करेंसी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट थे जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की, बाद में किताब लिखी, उन्हीं की किताबों के ऊपर जो संस्था बनी वो रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं बनी और दूसरे कई सारे काम हुए, क्योंकि उन्होंने ही जो युद्ध बंदियों को गुलाम बनाया जाता था उन्हें वॉर प्रिजनर का संज्ञा भी दिलाई थी। जेनेवा कन्वेंशन उन्हीं के मेहनत से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 208, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया आपका आएगा। भारत को किला किन्हें कहा जाता? सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाने वाला, नींव रखने वाला, कुतुबुद्दीन ऐबक था, पूरा करवाने वाला इल्तुतमिश था, ये मैं बता चुका हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। डेट पूछेंगे तो 1916। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य यानी चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? कन्याकुमारी के अंदर है। दक्षेस का हेड ऑफिस, दक्षेस यानी सार्क, सार्क जिसे साउथ एशियन अटलांटिक रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं, हेड ऑफिस कहाँ पर है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी है। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8 हैं, और इनमें कौन से देश आते हैं? भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। तो सार्क के अंदर टोटल 8 कंट्री हैं, जिसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। 216वां क्वेश्चन, भारत की तटरेखा में कोस्ट लाइन की लंबाई बतानी है आपने, 7516 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा। विश्व में अबरक यानी माइका का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? भारत के अंदर होता है। जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। याद रखें, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? सकरवी होता है, सकरवी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। क्वेश्चन को दोनों तरीके से पूछा जाता है, मतलब है या नहीं है, होता है या नहीं होता के आधार पर। 222वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। रिकेटस के इंजेक्शन का भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले पहले, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना एक बार। रिकेटस किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का जमता है? विटामिन के, विटामिन के की कमी से खून का थक्का जमता है, ब्लड क्लॉट्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? ई की कमी से बांझपन, बांझपन जो है, इनफर्टिलिटी जो है, महिलाओं के अंदर बच्चे ना पैदा करने की जो कमजोरी आती है, जो कमियां आती है, जो बीमारियां आती है आमतौर पर, उसे विटामिन ई कहते हैं, की कमी से होता है वो, बांझपन कहेंगे, इनफर्टिलिटी कहेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है, एस्कोर्बिल अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिल अम्ल, यानी एस्कोर्बिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 226, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। हंसाने वाली गैस को क्या कहेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ये वो गैस है जो हमें हंसाती है, हंसाने वाली गैस कहते हैं। घावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से बनती है, लेकिन अगर आप यहीं पर पीतल के साथ साथ अगर आप लोग थोड़ा सा चेंज करोगे, तांबा और जस्ता और तांबा और टिन मिलाओगे,
तो फिर आपका आंसर थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि तांबा और जस्ता कॉपर और जिंक से आप लोग पीतल बनाते हैं, लेकिन पीतल के साथ साथ आप लोग ब्रोंज का जिक्र भी करते हैं हम लोग कभी कभी, तो उसमें तांबे के साथ आपका 10 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 231, कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 के अंदर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस आप किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 237वां क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? RM-ROM, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 239, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हुए? 1907 के सूरत अधिवेशन में गर्म दल को निकाल दिया गया कांग्रेस से और नरम दल वाले कांग्रेस में रहे। रास बिहारी घोष उस समय कांग्रेस के महासचिव हुआ करते, जैसे प्रेसिडेंट कह सकते हैं, चेयरमैन। 240, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराजा प्रथम ने, चोल राजा था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के किले में। कब? 1542 में, जब उसका पिता हुमायूं भारत छोड़ करके ईरान की तरफ जा रहा था। 242, वर्ष 2014 फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ था? ब्राजील के अंदर। 18 का कहां पर हुआ? रूस के अंदर। वर्ष 2018 के कॉमनवेल्थ खेल कहां पर हुए? गोल्ड कोस्ट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप सोच सकते हो। उधर 19 का विश्व कप इंग्लैंड वेल्स में, दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। होती कब है? या तो शुरुआत के अंदर जब सदन आते हैं, या फिर फाइनेंस बजट के समय होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? G.V. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। उसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 248। पूरे दोस्तों 500 के 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को बार बार नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, जहां जरूरत है समझा रहे हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, तो आमतौर पर रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को इस तरीके के लगभग 10,000 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, जीके, सब कुछ के मिला करके आप लोगों को दे दिए जाएंगे धीरे धीरे करके। उसके बाद आप लोगों को कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा, आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 248, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? 370। इसी के साथ किस और आर्टिकल का जिक्र आता है? इसी के 370 के साथ एक आर्टिकल और आता है, जिसका नाम है 35A। 249, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, क्योंकि धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया आएगा। जनसंख्या के आधार पर भी एशिया आएगा, क्योंकि भाई जहां इंडिया और चाइना है, उनसे अगर वो एक जगह है, तो उनसे बड़ा कौन सा महाद्वीप जनसंख्या में हो सकता है? हैदराबाद किस नदी पर? अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल के साथ जुड़ना या किसी व्हाट्सएप में आना है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी के ऊपर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको। चांदी के बड़े भंडार पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को, मेडिटेरियन सी को एंड रेड सी को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी बतानी है आपने, आपका आंसर सिलवासा आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी बतानी है आपने, जुबा है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी।
होपमैन कब किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चितरंजन दास यानी सी आर दास को। अशोक चक्र में तीलियां, सबको पता आपको 24 हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। 21 अप्रैल 1913 किसने बनाई? दादा साहब फाल्के ने, जिनके नाम से भारत के अंदर फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड का पिता, पापा, फादर, जनक, गॉडफादर कहा जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। याद रखें, फीमर, फीमर कहाँ होती है? जांग की हड्डी होती है, जिसकी लंबाई है 62.2 मीटर। ये ध्यान रखना, ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639। मनुष्य के शरीर में हड्डी का जिक्र तो आ गया, फीमर होगा। अगर ये पूछें कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होती है, स्किन होती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, यानी लगभग लगभग 4 महीने। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है, गल्वेनाइजेशन, गल्वेनाइजेशन कहेंगे इसको, जस्तीकरण कहेंगे। 271 के बाद आपका है 272। 272वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपको बताना है। यकृत होगा, जिसको हेपेटिक कहते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ, संयंत्र कहाँ पर स्थित था? है डिगबोई, असम के अंदर सबसे पहला बना था ये। और उसके बाद आपका है 274, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार निर्माणों का, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। कब करवाया? 1591 के अंदर। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ? 1939 रहेगा इसमें, कांग्रेस 29 रहेगा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 में पास हुआ, और पाकिस्तान द्वारा अलग देश का प्रस्ताव 1940 में हुआ, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 278, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। श्वेत क्रांति के पिता किन्हें माना जाता है? वर्गीस कुरियन को, जो अमूल के संस्थापक है गुजरात से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी कबीना 1961 में, जिसको कई फिल्मों के लिए यूज किया जा सकता है। हरियाणा के अंदर रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। 280, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में, 26 अक्टूबर 1962। 281, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य? पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि मुस्लिम आक्रमणकारी का जिक्र है, उसके बाद चाहे चंगेज खान का नाम हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक का हो, मोहम्मद गजरी का हो, महमूद गोरी का हो, या फिर उसी के साथ बाबर से लेकर के अकबर तक जितने भी लोग रहे हैं, सारे देश के अंदर आक्रमणकारी हैं। समय समय पर भारत को लूटा गया है, चाहे आपको अगर मुस्लिम आक्रमणकारियों का जिक्र है तो यहाँ पर आ गया, अदरवाइज आप अलेक्जेंडर से लेकर के अंग्रेजों तक भारत को लोगों ने जमकर लूटा है। क्वेश्चन नंबर 283, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन सा था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज था जो सेल्यूकस का राजदूत था, जिस सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस अपने ससुर से एक राजदूत मांगा था, एक लेखक मांगा था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज उसके दरबार में आया, सेल्यूकस ने उसे भेजा, चंद्रगुप्त के दरबार में रहा, और उसी के दरबार के कार्यकाल के बारे में मौर्य डायनेस्टी के ऊपर लिखी गई सबसे बड़ी किताब इंडिका को लिखा मेगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 284, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन आएगा। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की। मैंने बताया था ना आपको, कॉपर और जिंक को मिलाओगे तो पीतल बन जाएगा, और कॉपर और टिन को मिलाओगे तो कांसा मिल जाएगा, बन जाएगा ब्रॉन्ज बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म निश्चय धर्म सम्मेलन को संबोधित कब किया? 1896 का स्वामी विवेकानंद का शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन सबसे फेमस है, बहुत बड़ा भाषण दिया, जिसमें बड़ा उपदेश दिया, वेदों की ओर लोटों से लेकर के कई सारे नारों का चर्चा हुई, और भारत को विश्व सत्र मिला। 289, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर के आदेश पर। पूर्वी व उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया।
साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय के। किसके आदेश के ऊपर आदेश दिया था यहाँ पर? सांडर्स के द्वारा। सांडर्स के कहता भगत सिंह एंड कंपनी ने फिर की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया? ऋग्वेद के अंदर। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत के अंदर। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगोर मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर आपका है 297। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबे का किया गया। बालपेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव, डोर्सल स्ट्रेस के ऊपर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों में मिलते हैं? सैतूत की पत्तियों में रेशम के कीड़े मिलते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान, माइंस ऑफ कॉपर, कॉपर माइंस के नाम से राजस्थान का खेतरी एरिया है। क्वेश्चन नंबर 301, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? सबसे नजदीक ग्रह, यहाँ पर आपका आंसर चेंज कर लेना आप लोग, नजदीक ग्रह नहीं है तो गर्म ग्रह है। नजदीक ग्रह का जिक्र आएगा तो आपका आंसर रहेगा बुध, बुध यानी मरकरी, नहीं सॉरी, ठीक है सूर्य पृथ्वी के नजदीक पूछा है, आपका आंसर ठीक रहेगा, मुझे लगा सूर्य के नजदीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह आपका शुक्र रहेगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद साइज में उसके बाद का नंबर आता है, पृथ्वी का पांचवां इसका छठा आता है। तेजाब की वर्षा होती है और सबसे गर्म माना जाता है, काफी फेमस ग्रह इसको हम गिनते हैं, खास करके क्वेश्चन बनता है इससे। 302, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन कहां बनता है? कहां मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन कहां बनता है? रेटिना के अंदर बनता है। 303, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संतरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट किस विधि के द्वारा होता है? रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की गति किसमें मापी जाती है? डेसिबल के अंदर मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपिकल्चर कहलाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का, कन्वेक्स का। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड मिरर जिसे हम कह देते हैं, ड्राइवर के पास भी होता है, कंडक्टर वाले साइड भी होता है, उसके लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का यानी कन्वेक्स का। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? आपका आंसर यहाँ पे शुक्र आएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? शुक्र है, जिसे चमकीला ग्रह का नाम भी दिया जाता है। सौर मंडल की आयु बतानी है आपने, 4.6 अरब वर्ष सोलर सिस्टम की एज। कौन सा पुत्र तारा 72 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली, हेली टेल, हेली नाम का पुत्र तारा 72 साल में एक बार दिखाई देता है। पृथ्वी सूर्य के बीच कितनी दूरी है? 15, लगभग 15 किलोमीटर। एक बार यह 15 से ज्यादा हो जाती है, एक समय पे 14 कुछ हो जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? आमतौर पर 8 मिनट कुछ सेकंड, या इसे 500 सेकंड के आधार पर काउंट कर सकते हैं लगभग। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट कब और कहां पर किया? पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण के राजस्थान में किया था। यह पहली बार हुआ और उसके बाद दूसरी बार हमने जब एटॉमिक एनर्जी का उत्पादन एक्सपेरिमेंट तो 74 में किया और एटॉमिक वेपन हथियारों का हमने 1998 में किया। क्वेश्चन नंबर 318, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्मल से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मैं कई एग्जाम्स में खुद देख चुका हूं इसको। हार्डवेयर, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं, जिसको छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, तो उसे हम हार्डवेयर कहेंगे। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडान होती है। किस गैस से कैंसर का उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है? रेडान से। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज होता है? थोरियम। या थोरियम खनिज कौन से बालू में होता है? मोनेजाइट में। मोनेजाइट किसकी एक नस्ल मानी जा सकती है, इसकी एक वैरायटी मानी जा सकती है, बालू आएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड होती है। थायराइड याद रखिए, थायराइड शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्वेश्चन नंबर 322, संसार का विशालतम सस्तनधारी यानी मैमल्स कौन सा है? वेल मछली आएगा आपका। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टेनर ने की। एल्यूमिनियम का प्रमुख आयसक कौन सा है? बॉक्साइट होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? सपुतनिक 1, जिसे लॉन्च किया गया 4 अक्टूबर 1957 को यूएसएसआर के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 326, किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा डायनमो। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज किया, परिवर्तित किया जाता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 327, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम, जिसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम होती है, जिसका आपको शॉर्ट नेम मिल गया यहाँ। किस ग्रह को शांत का तारा कहते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, आप शुक्र को, विनस को ही कहेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहेंगे? अक्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर कहेंगे। उसके बाद आपके स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, फिर आपके सारे की सारी लेयर्स आएंगी। पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है, 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके शिष्य बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? क्वेश्चन आ चुका, गलफड़ों के द्वारा। हरी पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोथिसिस भी कहते हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा दूध से क्रीम बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ? मुंबई के अंदर है। स्थापना कब हुई? 1935 के अंदर। जब बना तब हेड ऑफिस कहाँ था? कलकत्ता में। 2 साल बाद मुंबई आया। 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन किया गया। सीमांत गांधी का आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, वैसे भी समझा चुका हूं मैं अब्दुल गफ्फार खान को। 339, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका आंसर यहाँ ग्रीनलैंड रहेगा। अगर किस ओशियन में है? आपका आंसर ओशियन अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर रहेगा अटलांटिक ओशियन के अंदर। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्यकाल पूछेंगे तो 1950 से 1962 तक था। काली मिट्टी ब्लैक सोइल किस फसल के लिए उपयोगी है? आपका आंसर कपास रहेगा, कॉटन रहेगा। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा लूट कर लेकर गया और मयूर सिंहासन भी? 1398 के अंदर नादिर शाह इन्हें लूट कर लेकर गया था। यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि नादिर शाह का इसमें आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि मयूर सिंहासन तो यहाँ बना ही नहीं था, मयूर सिंहासन तो यहाँ बना ही नहीं था 1398 में। नाम तो नादिर शाह ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ डेट चेंज करनी है। डेट चेंज क्या करनी है? 1739 करनी है। यहाँ मैं इसको हाईलाइटर से यूज कर रहा हूँ, अगर पेन यूज कर रहा होता तो मैं यहाँ लिख भी देता। आमतौर पर यहाँ आपका आंसर 1739 आएगा, क्योंकि शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया, कोहिनूर को जड़वाया, और उसके बाद शाहजहां का कार्यकाल देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1526 में तो बाबर ही आया था, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं साथ में ही आपको सोल्व करवा दूंगा, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, 692 किलोमीटर। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी से घिरा हुआ है? 71%। भारत की सबसे लंबी सतलीय सीमा किस देश से है? बांग्लादेश से। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है नाइट्रोजन का, 78.08 कहते हैं इसको आमतौर पर, या 78.8 भी कह देते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। किस देश में अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ बताएं? आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग में भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में प्रस्ताव पास किया मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में जिन्ना की अध्यक्षता में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट जो आयरलैंड की एक महिला थी, भारत की आजादी के लिए बहुत ज्यादा लड़ी, देश में जेलों में गई, और भारत ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले महिला अध्यक्ष भी उन्हें को ही बनाया था 1917 में। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है, मैं कह चुका हूँ, अमर्त्य सेन का डिस्कस कर चुके हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज एक्ट लो किसके प्रयासों से बनाया गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1857 में कहा आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की, इलाहाबाद के अंदर। इंडिया में क्राउन का शासन यानी इंग्लैंड की महारानी का राज कहां पर घोषित हुआ था, इलाहाबाद के दरबार के अंदर। क्वेश्चन नंबर 361, उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही हैं, रिवाइज भी हो रहा है, कुछ नई चीजें वो समझ भी आ रही हैं, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो, पर दर बदर हम आपके साथ हैं। 361, लॉर्ड वेलेसली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राजा ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है, भील का जिक्र भी यहां आता है। 363, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917, शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता रहा है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, माउंटबेटन प्लान के तहत। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से जुड़े की हत्या किसने की, उधम सिंह ने की। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया, 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 के अंदर, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, वायसराय सॉरी। क्वेश्चन नंबर 368, भारत में कुल कितने हाईकोर्ट अभी हैं, 24 हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे पहले, जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश आपका आंसर रहेगा कुचिपुड़ी के लिए। मोहिनी अट्टम किसके लिए है, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा केरला, मोहिनी अट्टम केरला के लिए है। भारत नाट्यम का क्वेश्चन पूछेंगे तो तमिलनाडु, भारत रत्न नाट्यम तमिलनाडु से है। कथकली का जिक्र होगा तो फिर केरला आ जाएगा, कथकली याद रखना केरला के लिए। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, दामोदर के ऊपर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में बॉम्बे में मीटिंग हुई। गांधी जी किसे अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले को। और जीके गोखले ही एकमात्र वो व्यक्ति थे जो गांधी जी से साउथ अफ्रीका में मिलने भी गए थे। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने के लिए की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग पर है, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 379 के बाद आपका है 380। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में उनकी गीतांजलि बुक के ऊपर मिला उन्हें, साहित्य के लिटरेचर के सेक्टर से। मिड डे मील योजना शुरू हुई 1995 ईस्वी के अंदर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा किसने लिखा, किसने, अमार सुनार बांग्ला, मैंने बोला था आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42 वाले को, जो 1976 में हुआ था इमरजेंसी के दौरान। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। होम्योपैथी का संस्थापक किन्हें माना जाता है, हनीमैन को माना जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, एथिलीन को उपयोग में लाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, चैत्र का महीना होता है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, बांसुरी फ्लूट को बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए एज कितनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति के लिए पूछेंगे, सीएम और पीएम के लिए 25, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल उपराज्यपाल इनके लिए मिनिमम 35 चाहिए। उसके बाद है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोका के द्वारा करवाया गया तीसरी सेंचुरी बीसी के दौरान। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य, कर्नाटक। ये क्वेश्चन याद रखना भाई, ये सबसे अलग है, बहुत कम पूछा जा चुका है, लेकिन एक उलझन वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, इंडो चाइना के बीच में है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, प्याज का तना उसका खाद्य भाग होता है। सर्व परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 Hz से 20,000 Hz तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, बिहार की मधुबनी है। बिहार की लोक चित्रकला शैली कौन सी है, मधुबनी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में है, नेपाल के अंदर है।
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 399। फिर विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के बीच में है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में है, जिसमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र भी है, बहुत ज्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 401। 100 क्वेश्चन और हैं आपके, मेहनत करेंगे, एक साथ देखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। 401, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? आमिर खुसरो को माना जाता है, आमिर खुसरो को तोताई हिंद भी कहा जाता है इन्हें। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, जिन्हें संसार की छत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 404, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन H2 होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सैन को माना जाता है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि इचो सुनने के लिए श्रोता एवं प्रावर्तक रिफ्लेक्टर्स के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए, से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा ही होनी चाहिए कुछ न कुछ। इसके बाद अगर आप अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 411 है, किस माध्यम में प्रकाश की ताल सर्वाधिक होती है? निर्वात में, वैक्यूम में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 415, प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को, RGB को, रेड ग्रीन ब्लू को प्राइमरी कलर माना जाता है, प्राथमिक कलर माना जाता है, बाकी सारे कलर लेने की मदद से बनते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। गाड़ी के टायरों में कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन। गुब्बारे में कौन सी भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व शीशा का, टिन एंड लीड का। ग्लूकोमा रोग किस शरीर के अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है, आई से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। वैलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल साइंस, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल साइंस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है? चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का आवश्यक है? सिनेबार जो है वो पारा धातु का आवश्यक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 422, किस धातु का किस कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर। दूध में पानी की मात्रा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो यहां आपका आंसर रहेगा लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 423, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के ऊपर, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 424, पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। भूसतही उपग्रह जियो स्टेशनरी वेबसाइट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फारेनहाइट। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है, डी होता है इसको हम कहते हैं लेंस कैपेसिटी में। अगला क्वेश्चन है 429, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 430, पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। प्रासव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम बताना है? होमो सेपियंस। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नरोजी, हालांकि चुनाव पहले WC बनर्जी ने लड़ा था बट वो हार गए थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है?
पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का चावल जो बासमती होता है वो हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में होता है। भारत के किस, भारत में वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है? राजस्थान के पुष्कर के अंदर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसे कहा जाता है, माना जाता है? उपराष्ट्रपति, देश के वाइस प्रेसिडेंट को। दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी को मिला। सारक का दक्ष हेड ऑफिस कहां पर है? काठमांडू, नेपाल, हम पढ़ चुके हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को माना जाता है भारत में, उन्हें को मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, 1925। अगर पहली महिला पूछेंगे तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय पूछेंगे तो फिर सरोजनी नायडू, क्योंकि एनी बेसेंट को 1917 में मिला, सरोजनी नायडू को 1925 में यह पद मिला। क्वेश्चन नंबर 443, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव जी थे। राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्य, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट करता है? 12। लोकसभा में कितने करता है? 2। 12 कौन होने चाहिए? फेमस पर्सनैलिटी अपने अपने सेक्टर की, और 2 कौन से होने चाहिए? एंग्लो इंडियन। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 के अंदर। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को। पायोरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े नामक अंगों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, अगर वो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर जस्टिस होगा। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन होती है। इंडियन मिलिट्री अकाडमी IMA कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल होगी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपका आंसर आएगा टेनिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 456, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 साल की एज हो या 6 साल का कार्यकाल हो, या तो 5 साल का कार्यकाल हो, या तो 65 साल की एज हो जाए या 5 साल का कार्यकाल। संसद का अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को। लोअर हाउस किसे कहेंगे? लोकसभा को। पंचतंत्र का लेखक किसे का माना जाता है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी तो उन्हीं को लेखक माना जाएगा। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना गया? पांचशील एग्रीमेंट के नाम से, लेकिन इस एग्रीमेंट को ज्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि 62 में चाइना ने भारत पर अटैक ही कर दिया, ये समझौता धूल में उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 461, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन। इतने पुराने क्वेश्चन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर है? पूना के पास खड़गवासला में, पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। डबल फॉल्ट किस शब्द, शब्द किस खेल में होता है, प्रयोग होता है? टेनिस में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में यूज होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का खेल नृत्य है? मणिपुर। मणिपुर का राज्य का लोक नृत्य लाई हरोबा है। क्वेश्चन नंबर 479, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केरला के अंदर। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली के किनारे। पौधों में जीवन होता है, लाइफ इन प्लांट्स, ये किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद के अंदर। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, या फिर 40 कह सकते हैं हम, 23 पेयर और 46 टोटल कहेंगे तो आप 46 मानेंगे। उसके बाद चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 8 अगस्त को। समाप्त कब हुआ? 9 अगस्त को। एक ही दो दिन ही चला था ये, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, आंदोलन की घोषणा खत्म हो गई, लेकिन जनता ने इस आंदोलन को लंबे समय तक फिर भी चलाए रखा। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 से 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। रामचरित मानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित हुए? मई 1951 में नई दिल्ली भारत में इनकी शुरुआत हुई। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है?
बायोमीटर से एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 481 हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसको आप लोग हरियाणा के बच्चे ही पढ़ें, बाकी को जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना, अनिल कुंबले जी। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां होगा, हुआ हो चुका है रशिया के अंदर। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना को माना जाता है और है भी, सेकंड नंबर पे इंडिया है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 2 एंग्लो इंडियन। सर्वग्राही रक्त ओमनीबस वर्ल्ड समूह कौन सा होता है, ए भी होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, 1920 में, समाप्त कब हुआ, 1922 में, किस घटना से, चोरा चोरी की घटना से। चोरा चोरी कहां, यूपी के गोरखपुर जिले में, पुलिस वालों की जलने से, पुलिस स्टेशन में आग लगने से मृत्यु हुई थी। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, आपका आंसर यहां हॉकी रहेगा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की, गुरु नानक देव जी ने की, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। भारत में जनगणना कितने सालों बाद होती है, 10 साल बाद। लेटेस्ट कब हुई, 2011 में। अब कब होगी, 2021 में। मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास जी की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली। सरकार किस पार्टी की थी, लेबर पार्टी की। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, त्वचा को यानी स्किन को। स्किन को प्रभावित करने वाला रोग एक्जिमा होता है। क्वेश्चन नंबर 495, स्काउट्स एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की, रॉबर्ट बाडेन पारवेल ने। रॉबर्ट बाडेन पारवेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य से है, लिटरेचर से है। ये दोस्तों थे आज के कुछ क्वेश्चन। 500 वाला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, खेल सम्मान। देखना, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होगा, लेकिन खेलों में कौन सा होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले से लेकर आज तक आप इन क्वेश्चनों को देखते रहे हैं, और फिर भी अगर आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं, चैनल को यहां तक आए सब्सक्राइब जरूर करें, इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसी के साथ अगर आप लोग लंबे समय तक तैयारी से कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, फिर भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप सिंपल सा तरीका है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कि इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करके भी आप अपना स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर के थ्रू आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो, अपने सपनों की नौकरी आपको मिले। और वीडियो कैसी लगी, आगे क्या चाहिए, इसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। लाइक तो बनता है दोस्तों, मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। धन्यवाद, शुभकामना।